हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पर वेलकम है। जैसे दोस्तों, मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड टू के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए थ्योरी की क्लास चल रही है। ठीक है, थ्योरी की क्लास में दोस्तों आज मेरा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का पार्ट चल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आज हम पढ़ेंगे क्या, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में एंड वाट मीटर के बारे में, क्योंकि हम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे हैं। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुकी है, आज मेरी 14 नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, इसके हम प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, इसकी वर्किंग प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा हम वाट मीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम डायनमोमीटर, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा तीन टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे आपके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज चली है उसे अभी तक आपने नहीं देख रखा है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास लगभग 13 पार्ट करा चुके हैं, तो आप थ्योरी क्लास भी देख चुके हैं, तो थ्योरी के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्लास को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 1500 से लेकर 1600 क्वेश्चन के बीच में है। ठीक है, लगभग 54 वीडियो हैं। ठीक है, तो 54 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एक वीडियो में लगभग 30+ क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बुक तो सब पास होती है, लेकिन उस बुक से कौन से क्वेश्चन के आने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ऑलरेडी हमने उन वीडियो में रखा है, और उन हर एक क्वेश्चन को मैंने एकदम सोल्यूशन भी कराया है, अच्छे से आपको डिस्क्राइब भी किया है कि किस क्वेश्चन का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ को मैंने अच्छे से बताया है। यदि अभी आप तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको चैनल में प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, यूपी आर्मिनल या आपको क्या कहते हैं एलएमआरसी के नाम से वो प्ले लिस्ट है, डीआरडीओ के नाम से। ठीक है, इस नाम से प्ले लिस्ट बनी है, आप उस प्ले लिस्ट को जाके देखें, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप मेरी थ्योरी क्लास क्वालिटी देख ही रहे हैं, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे किसकी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है रिपल्सिव टाइप और एक होता है मेरा अट्रैक्शन टाइप। ठीक है, ये बोलते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन, एक होता है हमारा रिपल्सिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो हम बात करते हैं पहले अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, पहले उस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट को देखने से पहले दोस्तों इसके हम थोड़ा प्रिंसिपल को जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये मेरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर दो फिक्स कॉइल लगी हैं। ठीक है, ये फिक्स कॉइल लगी हैं, हमारे कनेक्शन फिक्स कॉइल को हम कनेक्शन दे रखे हैं एसी सप्लाई से। ठीक है, एसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर रखा है। जब एसी सप्लाई हम इसको देते हैं तो इसमें क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है, एक आयरन डिस्क रखी गई है। ठीक है, तो आयरन डिस्क का कुछ पार्ट देखिए, इस मूविंग मतलब जो हमारी कॉइल है, इस कॉइल के फ्लक्स से ये आयरन डिस्क का कुछ पार्ट कट रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल है दोस्तों, बाकी आप देख लीजिए ऊपर स्केल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ स्प्रिंग कंट्रोलिंग तार के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है, बाकी डैम्पिंग के रूप में हम एयर डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई हम देते हैं, एसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इन दोनों मूविंग कॉइल के माध्यम से, ठीक है, इन दोनों मूविंग कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसके माध्यम से फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है तो क्या होता है, ये हमारी जो आयरन डिस्क है इस आयरन डिस्क पे अप्लाई होता है। तो क्या करता है, आयरन डिस्क हमारी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, जब आयरन डिस्क हमारी मूव करेगी, ठीक है, तो मूव करेगी तो क्या होगा, हमारा देखिए यहाँ पॉइंटर पे
ठीक है, स्केल का एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो पॉइंटर जैसे मेरी आयरन डिस्क से मूव करती है, जब आयरन डिस्क हमारी मूव करेगी तो हमारा पॉइंटर का स्केल के अकॉर्डिंग हमारी रीडिंग मिलेगी हमको, ठीक है। तो हमारा पॉइंटर रीड करेगा, मतलब हमारी डिस्क जो लगी है आयरन डिस्क, जो आयरन डिस्क जैसे जैसे मूव करती है, मतलब इस पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फोर्स लगता है, उस फोर्स से जब इस पर डिस्क पड़ता है तो डिस्क हमारी क्या करती है, मूव करती है। जब मूविंग, इसीलिए बोला गया इसे क्या, मूविंग आयरन, ठीक है। तो ये मूविंग आयरन डिस्क है, जब ये डिस्क हमारी मूव करती है तो मूव करने के साथ हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। जब पॉइंटर हमारा मूव करता है तो हमको क्या मिलती है, हमको रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कार्य सिद्धांत रहा, ठीक है। बाकी कंट्रोलिंग तारे के रूप में हम स्प्रिंग का प्रयोग किए हैं। जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, जो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, ठीक है, ये वर्किंग वर्किंग आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका फिगर, उसकी थोड़ा बहुत उसकी वर्किंग तो हम जानते ही, ठीक है। तो हमको आपको वर्किंग बताया है, बाकी वर्किंग से कोई क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, तो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा हम कंट्रोलिंग टॉर्क रूम में क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क रूम में हम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बाकी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेरा मापता क्या है, ये एसी और डीसी दोनों को मापता है, एसी एंड डीसी को, दोनों चीज़ को मापता है, ठीक है। बाकी हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो क्या होता है, वो लो होता है, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है वो लो होता है, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है, लो। आप कहोगे लो क्यों, क्योंकि लो दोस्तों इसलिए क्योंकि हम बात करते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो की, तो सबसे अधिक टॉर्क टू वेट रेशियो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का होता है, ठीक है। सबसे अधिक अगर टॉर्क टू वेट रेशियो किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है तो होता है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। तो उसके अपेक्षा हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो लो होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है क्या होता है, वो लो होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं क्या कि हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इसको याद रखना है। एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। एसी करंट को मेजर करेगा, कोई एसी वोल्टेज को मेजर करेगा। एसी वोल्टेज एंड करंट, डीसी वोल्टेज एंड करंट दोनों का मेजर करता है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो आप समझ सकते हो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए करेंगे, वोल्टेज एंड करंट के लिए, एसी और डीसी। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या मापता है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा वोल्टेज एंड करंट दोनों को मापेगा, और एसी और डीसी के साथ में, ठीक है। मतलब एसी डीसी वोल्टेज एंड करंट को मेजर करता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एसी में दोस्तों क्या मापता है, जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है क्या मापता है, ये आरएमएस वैल्यू को मापता है, एसी में आरएमएस वैल्यू को मापता है। इसके पहले हम बताया था आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता था, वो डीसी में एवरेज वैल्यू को मेजर करता था, ठीक है। तो डीसी में क्या करता था, एवरेज वैल्यू को मेजर करता था, लेकिन हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो एसी में आरएमएस वैल्यू को मापता है, ठीक है। इसके अलावा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया। कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग, या स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। इसके अलावा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है दोस्तों, स्केल क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। ये नॉन लीनियर स्केल कैसे आएगी, अभी हम आपको इसका डेरिवेशन के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इस पॉइंट को आप अभी यहाँ पे याद रखें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है वो 125 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक कार्य करता है, ठीक है। कितना, 125 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक कार्य करता है। इसके अलावा यदि हमको इसको मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में यूज करना है, अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में यूज करना है, तो इसके लिए हम, ठीक है, थर्मल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, थर्मिस्टर हो गया, ये सब जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हमारा
सिर्फ 125, ठीक है, तो 125 हर्ज फ्रीक्वेंसी तक अच्छे कार्य करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट और। इसकी स्केल नॉन लीनियर होती है, मैंने आपको बताया कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है। इसके अलावा टार्क टू वेट रेशियो जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का लो होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसका क्या होता है, टार्क टू वेट रेशियो लो होता है। इसके अलावा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एक बात दोस्तों आप याद रखना, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा नॉन लीनियर है, ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट हमारा नॉन लीनियर है तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो लो होगी, यदि इंस्ट्रूमेंट हमारा लीनियर है, ठीक है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, यदि इंस्ट्रूमेंट हमारा नॉन लीनियर है तो क्या होगा, सेंसिटिविटी उसकी लो होगी, यदि इंस्ट्रूमेंट हमारा लीनियर है तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी ये हाई होगी। दोस्तों देखिए, हर एक पॉइंट को अगर एक दूसरे से आप रिलेट करके चलोगे ना तो चीज़ें आपको याद भी अच्छे से होंगी और हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मेन हमने बताया था आपको शुरू में कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा नंबर इसमें गेन हो जाता है। क्या है कि बस आपको अपनी याददाश्त को मजबूत करनी है। ठीक है, वो याददाश्त मजबूत कैसे होती है, वो बार बार चीज़ों को पढ़ने से। ठीक है, एक बार आपने चीज़ें देखा, दोबारा आप उसे फिर देखिए, आप अपने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स को लिखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि नोट्स अगर आप अपने आप लिखोगे ना तो लिखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप, मैं आपको वीडियो देता हूँ, आपको PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप PDF को सेव मत रखिए। आप PDF को जो मैंने लिखा है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पहले तो आप प्रयास कीजिए कि आप हेडिंग डालिए इसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, आप लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग डालिए, उसके बाद आप उसमें देखिए कि आपको कितने पॉइंट आपको याद हैं। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कितने पॉइंट याद हैं, आप कितने पॉइंट उसके बारे में लिख सकते हो, पहले उस पॉइंट को आप लिखो। लिखने के बाद अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो रहा है तो आपके पास ऑलरेडी PDF है, आप PDF से आप देख के उस पॉइंट को भी लिख सकते हो। तो ये दोस्तों पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी जॉब, कोई भी जॉब हो दोस्तों, अगर आप 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ आप अच्छे से लग जाते हो तो कोई भी जॉब मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन क्या है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके परिश्रम के ऊपर है। यदि आप अच्छे ढंग से, अच्छे से 6 मंथ आप पढ़ाई कर लें, ओनली 6 मंथ, तो ITI की ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको ना मिल जाए। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जो मैंने आपको मेथड बताया है उस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। आप आज ही आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा कि आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में कितने पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जितने पॉइंट आप लिख लोगे उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा दोस्तों बात करते हैं, क्या रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। हमने अट्रैक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट देखा, ठीक है, उसके प्रिंसिपल को जाना। अब हम बात करते हैं रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो रिपल्सिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी ये फिगर मैं इसके पहले भी आपको बना चुका हूँ, आपको दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, लेकिन हम इसको फिगर को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या फिगर बना हुआ, ये दोस्तों हमारे क्या है कि ये मेरी ज्वेल बेयरिंग लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या, मेरा स्पेंडल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे इसमें बेन लगे हुए हैं, एक हमारा फिक्स बेन है और एक हमारा क्या है, एक मूवेबल बेन लगा हुआ है। ठीक है, दो प्रकार के इसमें बेन लगे हुए हैं, बाकी इसमें फिक्स कॉइल लगी हुई है। ठीक है, एक क्रॉस कॉइल है, एक डॉट कॉइल है। ठीक है, दो हमारे फिक्स कॉइल लगी हुई है। ठीक है, एक फिक्स कॉइल है इधर, फिक्स कॉइल है, एक मूवेबल बेन है और एक फिक्स बेन है। ठीक है, इसके अलावा हमने ऑलरेडी सप्लाई कनेक्ट कर रखी है, AC सप्लाई देंगे, बाकी इधर हमारा स्केल लगा हुआ है और मेरा ये पॉइंटर लगा हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जैसे हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, सप्लाई देने के बाद क्या होगा, देखिए हर जगह प्रक्रिया वही है। सप्लाई देंगे तो कॉइल लगी है, जब कॉइल लगी है तो कॉइलों में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। जब फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या होगा कि हमारे वेन पर लगेगा, फिक्स वेन पे। तो फिक्स वेन पे जो हमारा फोर्स जनरेट होगा वो क्या करेगा, फिर रिफिल करेगा किस पे, हमारा जो मूवेबल वेन है। जब ये वेन हमारी मूव करेगी, हमारी बेल मूव करेगी, तो स्पेंडल भी हमारा मूव करेगा। जब स्पेंडल हमारा मूव करेगा तो स्पेंडल पे हमारा लगा हुआ है पॉइंटर। ठीक है, तो ये पॉइंटर क्या करेगा, ये हमको रीडिंग देगा।
ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल कार्य करने का। हमने एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई देने के बाद कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स हमारा किस पे लगेगा, फिक्स वेन पर। जब फिक्स वेन पे हमारा लगेगा तो इसी से रिलेटेड हमारा किसका है, मूवेबल वेन का है, तो इस पर भी फोर्स हमारा क्या होगा, रिफिल करेगा एक दूसरे पर। जब रिफिल होगा तो हमारा मूवेबल वेन जो है वो मूव करेगी, जब वेन हमारी ऐसे ऐसे मूव करेगी तो क्या करेगा, स्पेंडल भी हमारा मूव करेगा। जब स्पेंडल हमारा मूव करता है तो क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर होता है वो हमारा रीडिंग देता है। तो क्या है, ये हमारी प्रक्रिया थी। बाकी फ्रिक्शन लॉसेस को कम करने के लिए हम ऑलरेडी ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, इसको मैंने आपको बताया था कि टीयर एंड बियर लॉसेस को कम करने के लिए हम ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये था इसका प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिफ्लेक्टिंग टायर की। तो डिफ्लेक्टिंग टायर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टायर जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, टी डी इक्वल टू होता है हाफ आई स्क्वायर डी एल अपान डी थीटा। एल दोस्तों क्या है हमारा, एल हमारा इंडक्टर है, जो हमारा कॉइल लगी है उस कॉइल का इंडक्टर है, बाकी आई हमारी क्या है, करंट है, ठीक है। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, देखिए दोस्तों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने जितने इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं हर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा, इसका डेरिवेशन होने के बाद निकलता है, ठीक है। डेरिवेशन आपके यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क जो मैं फार्मूला लिखता हूँ उस फार्मूले को आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क टी डी इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा, ये हमारा है। बाकी हम जानते हैं इसे कंट्रोलिंग टार्क के रूप में हम स्प्रिंग का प्रयोग किए हैं। तो एट ए बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जब बैलेंस कंडीशन करते हैं तो हम जानते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होता है, तो टी सी इक्वल टू हमारा टी डी हो जाता है, ठीक है। टी सी इक्वल टू हमारा टी डी हो गया, तो के थीटा हम जानते हैं जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है वो क्या होता है, के थीटा होता है, तो के थीटा इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल अपान डी थीटा। तो हम जान रहे हैं कि हमारा जो थीटा प्रोपोर्शनल किसकी है, आई की, तो थीटा प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर की, ठीक है। जब थीटा हमारा आई स्क्वायर की प्रोपोर्शनल हो गया तो हमारी जो स्केल होगी क्या होगी, स्केल हमारी नॉन लीनियर होगी, ठीक है। हमने बताया था जब थीटा प्रोपोर्शनल आई होता है तो स्केल हमारी क्या होती है, लीनियर होती है, लेकिन जब थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के है तो स्केल हमारी क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, नॉन लीनियर ऐसे बोलते हैं नॉन यूनिफार्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफार्म या नॉन लीनियर, ठीक है। तो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है क्या होती है, नॉन लीनियर होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों हम बात करते हैं हमें इलेक्ट्रोडायनोमीटर की, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम कहते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप कहोगे सर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं दोस्तों हम। जैसे कोई मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हमने उसे कैलिब्रेट किया है क्या, एसी मापने के लिए, ठीक है। एसी मेजर करने के लिए हमने उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया है, ठीक है। तो उस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से यदि हम डीसी को मेजर करते हैं बिना कैलिब्रेट किए हुए, तो वह इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा एसी मेजर करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है, यदि हम उससे डीसी को मेजर करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें एरर होती है, एरर जनरेट होती है। लेकिन जो हमारा ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है, यदि वो एसी के लिए कैलिब्रेट किया गया है, एसी से कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से अगर हम डीसी को मेजर करते हैं तब उस इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं जनरेट होती, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में हमारा कौन सा होता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर होता है। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, एसी और डीसी दोनों को मापता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो होता है वो एसी डीसी दोनों को मापता है। एसी में आपका क्या मापेगा, वोल्टेज और करंट एंड पावर, वोल्टेज करंट एंड पावर को मापेगा हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर, और डीसी में भी मापेगा वोल्टेज करंट एंड पावर। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह क्या मापता है, करंट वोल्टेज एंड पावर को भी मापता है, इसमें पावर भी ऐड कर लेना दोस्तों,
क्या होता है, पावर को भी मेजर करता है। ठीक है, इसकी भी स्केल क्या होती है, इसकी भी स्केल नॉन लीनियर होती है। ये सब स्केल नॉन लीनियर कैसे होंगी उसके बारे में हम अभी नीचे देखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप इस पॉइंट को याद रखें, ये पॉइंट एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्शन दिया रहेगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ऑप्शन में टिक करना रहेगा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या मेजर करता है, एसी और डीसी, वोल्टेज करंट एंड पावर को। ठीक है, वोल्टेज करंट एंड पावर को, बाकी इसकी जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है। इस चीज़ को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आया है कि निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल लीनियर होती है या किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल नॉन लीनियर होती है, तो आपको आंसर देना रहेगा। इसलिए हमने हर एक इंस्ट्रूमेंट की स्केल को आपको बताते हुए चलना हो। ठीक है, तो यही चार छः पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का जो टार्क टू बेट रेशियो होता है, इसमें भी क्या होता है, कम ही होता है। ठीक है, इसका जो टार्क टू बेट रेशियो कम या लो बोल सकते हो आप। ठीक है, इसमें डैम्पिंग दोस्तों, डैम्पिंग कौन सी है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में भी। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क का हम प्रयोग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, और टार्क टू बेट रेशियो क्या होता है, कम होता है। मापता क्या है, ये जो मैंने बताया था, मेजर क्या, वोल्टेज करंट एंड पावर को मेजर करता है एसी एंड डीसी दोनों में। स्केल इसकी नॉन लीनियर होती है। मतलब दोस्तों, जो 7 से 8 पॉइंट मैं आपको हर इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, यही आपको पूरे क्लास में, जो पूरी थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, कुछ आपको याद रहे या नहीं याद रहे, लेकिन जो पॉइंट आपको लिखाते हैं 8 से 10 पॉइंट हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा आपको किसी भी बुक में। ठीक है, तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट से अगर देखोगे आप तो 10-12 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलता नहीं। तो इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछते रहते हैं, तो इसलिए हमने हर पॉइंट जो पूछे जाने वाले हैं आपको हर पॉइंट लिखा देता हूँ, अब अच्छे से उसे समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप फॉलो करते होंगे और इस चीज़ को आप रटते हुए चल रहे होंगे। आइए इसके हम प्रिंसिपल को जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर होता है उसमें भी 2 कॉइल होती हैं, एक हमारी फिक्स कॉइल होती है, एक हमारी मूविंग कॉइल होती है। ठीक है, इन दोनों कॉइल को जब पास पास रखते हैं, ठीक है, तो हमारी पहली कॉइल जो है इसके कारण जो इंडक्टेंस जनरेट होता है वो L1 होता है, दूसरी कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L2 है। इन दोनों को जब पास में रखते हैं तो इन दोनों के पास के कारण, इंडक्टिव के कारण क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं M। ठीक है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो टोटल जो हमारा इंडक्टेंस होगा क्या होगा, L=L1+L2+2M। ठीक है, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है, DL=dθ/2dm/dθ। ये हमारा क्या है, ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो कट जाती है, तो क्या जाता है, 2dm/dθ। ये हमको मिल गया क्या, इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तब। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क हम जानते हैं, TD=2 क्या होता है, ½ I² DL/dθ। ये किस में होता था, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो हम क्या रख सकते हैं, DL/dθ के स्थान पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। जब DL/dθ के स्थान पर हम रखते हैं क्या, 2dm/dθ, तो 2 से 2 तुम्हारा कट गया। लेकिन वहाँ पे क्या होता था दोस्तों, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होती थी, करंट तो सेम होती थी, लेकिन यहाँ करंट आप देख रहे हो दोनों कॉइल के लिए करंट अलग अलग है, I1 और I2 है। तो यहाँ का क्या रख देंगे, I1 / I2। तो इसका जो हमको मिला दोस्तों, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क TD=2 क्या मिल गया, TD=2 मिला I1 I2 dm/dθ। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का डिफ्लेक्टिंग टार्क है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क TD=2 क्या हो गया, I1 I2 dm/dθ। ये हमारा क्या है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है। ठीक है, आइए थोड़ा और इसे विस्तार से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों डिफ्लेक्टिंग टार्क एवरेज की। ठीक है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो एवरेज को भी मापता है ना, तो एवरेज में मापता है क्या, डीसी को एवरेज मापता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी एवरेज में क्या आएगा इसका, तो I1 I2 cos α dm upon
डी थीटा। ठीक है, हम बात करते हैं बैलेंस कंडीशन में, तो हम जानते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, कंट्रोलिंग टार्क हमारा डीसी मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क के इक्वल होता है। कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग कर रहे हैं क्या स्प्रिंग का, जब हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रिंग की जो हमारी डिफ्लेक्टिंग टार्क होती है क्या होती है, कंट्रोलिंग टार्क की थीटा, तो के थीटा इक्वल टू हो गया आई वन आई टू कॉस अल्फा डी एम अपान डी थीटा हो गया। तो हमारा जो थीटा प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई वन आई टू कॉस अल्फा के। तो इसीलिए दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट की भी स्केल क्या होती है, इसकी भी स्केल नॉन लीनियर होती है। ठीक है, तो स्केल क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट में 7 से 8 पॉइंट याद रखने हैं, उनकी डिफ्लेक्टिंग टार्क के फार्मूले याद रखने हैं। बस इतने पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट में दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं क्या इसके एप्लीकेशन के बारे में कि हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर होता है इसका प्रयोग दोस्तों हमने बताया था आपको एमीटर मतलब करंट मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर के रूप में वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे, पावर मापने के लिए हम वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पावर फैक्टर को भी माप सकते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर से, तो पावर फैक्टर को मापने के लिए हम पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पावर फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा हमारा फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पावर फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से दोस्तों क्या क्या माप सकते हैं हम, एमीटर के वोल्ट मीटर वाट मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर एंड पावर फ्रिक्वेंसी मीटर, इतनी जगह पे हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये एप्लीकेशन रहा। हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पढ़ेंगे वाट मीटर की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको मीटर वोल्ट मीटर ऑलरेडी बताया है, सबके प्रिंसिपल वही हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे वाट मीटर की। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट हैं, उन्हीं पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बाकी इसका डेरिवेशन थोड़ा बहुत देखेंगे। तो क्या है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो हमारा वाट मीटर होता है इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें दो फिक्स कॉइल होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दो फिक्स कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में दो फिक्स कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है, किसमें, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट टाइप मीटर में। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर। ठीक है, तो वाट मीटर में क्या होती है कि दो फिक्स कॉइल होती हैं और एक मूविंग कॉइल होती है। फिक्स कॉइल को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला है कि फिक्स कॉइल को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉइल को हम करंट कॉइल कहते हैं। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। ठीक है, तो जो फिक्स कॉइल होती है उस फिक्स कॉइल किस नाम जानते हैं, उस फिक्स कॉइल को हम करंट कॉइल के नाम से जानते हैं, और जो हमारी मूविंग कॉइल होती है उस मूविंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्या, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी हम मूविंग कॉइल को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों सारी चीज़ें वहीं लगेंगी, स्केल क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। बाकी जो पॉइंट आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो शुरू में आपको लिखाए हैं जो पॉइंट इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में, वो सारे पॉइंट यहाँ भी एलिजिबल होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, बाकी वो सभी पॉइंट तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट इसमें भी ऐड हो जाएंगे। आइए दोस्तों इसके समझते हैं। ठीक है, इसके फिगर को हम दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो वाट मीटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्टार कनेक्टेड लोड, एक होता है डेल्टा कनेक्टेड लोड। हम बात करते हैं थ्री फेज वाट मीटर की। ठीक है, तो थ्री फेज में क्या होता है, एक स्टार कनेक्टेड होता है और एक डेल्टा कनेक्टेड होता है। लेकिन जो यहाँ पे होता है, जो दोनों लोड होते हैं दोस्तों, ठीक है, हम बात करेंगे पहले स्टार कनेक्टेड लोड की। तो स्टार कनेक्टेड लोड को समझ लेंगे तो वहीं से हमारा डेल्टा कनेक्टेड लोड भी निकल आता है। ठीक है, तो स्टार के देख लीजिए आप, सर्किट डायग्राम पहले देखिए, ये हमारा क्या बना हुआ है, हमारा स्टार बना हुआ है। हमने दो वाट मीटर लगा रखे हैं ऑलरेडी, एक वाट मीटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, एक देखिए हमारे ऊपर वाले क्या है, करंट कॉइल है, ये हमारी प्रेशर कॉइल है। ठीक है, एक करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी करंट कॉइल, हमारी जो आ रही है प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा W1 है, वाट मीटर W1। ठीक है,
बाकी दोस्तों ये थ्री फेज हैं, आप देख रहे हैं आर वाई बी है, ठीक है। तो इसके इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा, आप देख रहे हो बी वी आर है, बाकी इसके उसके वोल्टेज के वोल्टेज वी आर वाई है, इन दोनों के बीच वोल्टेज वी पी वाई है। ये सब चीज़ें हैं, करंट इसमें आर वाई बहेगी, इसमें आई बी बहेगी, इसमें आई वाई करंट आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों जो हमारा इसका वाट मीटर की जो रीडिंग होती है, वो रीडिंग क्या होती है कि वो स्टार कनेक्टेड और ठीक है और डेल्टा कनेक्टेड दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले वाट मीटर की ओमेगा वन की, तो हमको क्या मिलेगा पहले वाट मीटर पे, तो हमको देखिए दोस्तों ये सब रीडिंग निकालने के लिए एक डेरिवेशन होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको लिख के बताया, डायरेक्टली लिख दिया है क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है तो वाट मीटर वन पे हमको रीडिंग क्या मिल रही है कि वी आई कास फाई थर्टी माइनस फाई, क्या वी आई कास थर्टी माइनस फाई, इक्वेशन नंबर वन है हमारी, ये वाट मीटर वन की है। वाट मीटर टू की रीडिंग क्या होती है हमारी, वी आई कास फाई कास थर्टी प्लस फाइव। दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमको जो डब्लू वन वाट मीटर की रीडिंग क्या है, वी आई कास थर्टी माइनस फाइव, वाट टू की क्या है, ठीक है, वाट मीटर सेकंड की क्या है, वी आई कास फाइव थर्टी प्लस फाइव, मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, एक में थर्टी माइनस फाइव का है, एक में थर्टी प्लस फाइव का है, क्या है, वी आई कास फाइव, वी आई कास फाइव, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल पावर मिल जाती है उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली, ठीक है। तो हम टोटल पावर की बात कर लेते हैं, तो टोटल पावर हमारी क्या मिल जाएगी, अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो डब्लू वन प्लस डब्लू टू इक्वल टू, यानी वाट मीटर वन प्लस वाट मीटर टू इक्वल टू रूट थ्री वी आई कास फाइव, ठीक है। रूट थ्री वी आई कास फाइव ये क्या होता है हमारा, ये एक्टिव पावर बोलते हैं इसे, एक्टिव पावर होती है हमारी रूट थ्री वी आई कास फाइव, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसको हम निगेटिव करते हैं तो निगेटिव करने पर हमको क्या मिलता है, डब्लू वन माइनस डब्लू टू इक्वल टू वी आई साइन फाइव, ये क्या है हमारी, ये भी पावर है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगर रिएक्टिव पावर की, आप देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि एक वाट मीटर की रीडिंग क्या है, वाट मीटर की रीडिंग दिया हुआ है 1.414, ठीक है, वाट। दूसरे वाट मीटर की रीडिंग कितनी दी गई है, 2.414। तो पूछेगा कि टोटल पावर क्या होगी, तो टोटल पावर क्या होगी, डबल वन प्लस डबल टू इक्वल टू हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे माइनस में है डबल वन की, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस को उसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट पावर आ जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग क्या है, किलोवाट में, तो हमको जो वो रीडिंग मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी, 1 किलोवाट, मतलब दोनों को अगर हम टोटल पावर कर पूछ रहा है वाट मीटर की, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल पावर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता है वाट मीटर से, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर रिएक्टिव पावर हम थ्री फेज की बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर थ्री फेज में कितना होती है, रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू, डब्लू वन माइनस डब्लू टू, ये हमारे क्या हो जाएगी, थ्री फेज पावर हो जाएगी वाट मीटर की, ठीक है। ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। क्या होता है कि सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं लगाने के लिए, ऐसे आपको दे देगा वाट मीटर रीडिंग एक दे देगा, दूसरी वाट मीटर रीडिंग दे देगा, बोल देगा कि आपके थ्री फेज की रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो थ्री फेज के रिएक्टिव पावर के लिए फार्मूला क्या होगा, रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू, ये वाट मीटर की रीडिंग के केस में है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर रिएक्टिव पावर बात करेंगे थ्री फेज की, तो रूट थ्री वी आई साइन अल्फा होता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके केस में, हम बात कर रहे हैं जब वाट मीटर केस में, तब ए होगा, ठीक है। नहीं आप सोचो कि सर तो होता है रूट थ्री वी आई साइन अल्फा होता है रिएक्टिव पावर का मान थ्री फेज में, तो दोस्तों वहाँ थ्री फेज की बात कर रही है किसकी, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वाट मीटर की रीडिंग के माध्यम में, जब वाट मीटर की रीडिंग दी होगी तब पूछेगा आपका थ्री फेज पावर क्या होगी रिएक्टिव की, तब उस कंडीशन में क्या होगा, रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू, ठीक है, यानी वाट मीटर वन माइनस वाट मीटर टू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों पावर फैक्टर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली इसका फार्मूला ये पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर क्या होता है थ्री फेज का, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपान डब्लू वन प्लस डब्लू टू, इस पर दोस्तों बहुत न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या होता है कि पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, कास फाइव होता है, लेकिन हमारा फाइव जो एंगल है, फाइव एंगल बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपान डब्लू वन प्लस डब्लू टू, इस फार्मूले पे बहुत सारे निमेकर आते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो हम आपको आज लास्ट में जब हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है,
क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट पूरा ख़त्म होगा तो इंस्ट्रूमेंट पूरा ख़त्म करने के बाद हम आपको ऑब्जेक्ट लाएंगे करीब 300 to 400 क्वेश्चन, ठीक है। 300 से लेकर 400 के बीच में आपको इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको वहीं से आपको इंस्ट्रूमेंट के एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट को आप, मैंने जैसे थ्योरी आपको पढ़ा दी, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो इसके बाद हम आपको इंस्ट्रूमेंट से लगभग 300 से लेकर 400 के बीच में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका इंस्ट्रूमेंट का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंट आपका ज़्यादा बचा नहीं है। आज हम बात कर ले रहे हैं किसकी, आज हमने मूविंग आयरन की बात कर ली, डायनामोमीटर की बात कर ली, अभी हमारा इंडक्शन टाइप बचा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात बची, ठीक है। यही दो तीन इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, मतलब एक या दो क्लास में पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचेगा आपका क्या, ट्रांसड्यूसर बचेगा, तो एक क्लास या दो क्लास में आपका ट्रांसड्यूसर खत्म हो जाएगा। मान चलो इंस्ट्रूमेंट के लिए अभी 5 क्लास और आएगी, तो 5 क्लास आएगी तो आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं शाम के टाइम, जैसे आपको मॉर्निंग में क्या देता हूँ, मॉर्निंग में आपको मैं दे रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट को, शाम को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी शुरुआत करने के विचार में हूँ। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपको आपको डेली 2 क्लास मिले, ठीक है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि 5 क्या होगा, 10 inverse √3 ω1 − W2 / W1 + W2। हमारा क्या होता है, ये हमारा फाई एंगल या पावर फैक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला हो गया, इस पर न्यूमेरिकल आता लगाने के लिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं अगर फाई एंगल की, ठीक है। यदि हमारा ये जो हम पॉइंट लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यदि दोस्तों हमारा क्या हुआ, यदि 2 वाट मीटर है उनकी रीडिंग समान है, जब उनकी रीडिंग समान होगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो हम जानते हैं cos फाई या cos 0 = क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है कि डायनमो टाइप वाट मीटर में हमको पावर फैक्टर यूनिटी किस कंडीशन में मिलता है, तो जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम होगी तब हमको पावर फैक्टर यूनिटी मिलेगा या पावर फैक्टर हमको अधिकतम मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हमको पावर फैक्टर वाट, मतलब वाट मीटर में पावर फैक्टर हमको अधिकतम किस केस में मिलेगा, तो हमको अधिकतम उस केस में मिलेगा जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होंगी, समान होंगी। तो W1 = W2 होगा, तो हमारे उसके बीच जो फाई होगा, जो एंगल होगा, 0 डिग्री का होगा। जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं यदि हमारा फाई या एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तब जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो हमने आपको बताया था कि उस चीज़ को आपको याद रखना है। सब ये चीज़ें निकल कहाँ से रही हैं, ये चीज़ें यहीं से निकल रही हैं, ठीक है। हमने बताया था W1 = VI cos 30 - φ, ये W1 का था, और W2 = क्या बताया था हमने, VI cos 30 - 30 + φ, ये चीज़ें आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो वही चीज़ आपको रखना है यहाँ पे। हमें जब फाई अगर हम 90 रखेंगे तो अगर जो फाई मान 90 रखेंगे तो -60 हो जाएगा, cos -60 का मान -60 ही होता है, ठीक है। तो W1 का मान कितना हो जाएगा, 0.5 VI, ये सब दोस्तों निकालने के बाद आएगा, ठीक है। रीडिंग मैंने आपको डायरेक्टली एक रीडिंग रख दी है। यदि φ = क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जब φ = 90 डिग्री होगा तो W2 की हमको रीडिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, 0.5 VI, और हमको W2 की, ठीक है, निगेटिव में क्या मिलेगी, निगेटिव मिल जाएगी, माइनस में मिल जाएगी हमको 0.5 VI। दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव होती है और एंगल उसके बीच में फाई मतलब 90 डिग्री है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर क्या मिलता है उस कंडीशन में, पावर फैक्टर हमको 0 मिलता है, हम जानते हैं, ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो फाई डिग्री पर अगर हमारा फाई एंगल हमारा 90 डिग्री है तो हमका पावर फैक्टर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि हमारा फाई 0 डिग्री है तो हमको पावर फैक्टर कितना मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। तो हमको अधिकतम किस केस में मिल रहा है, अधिकतम हमको मिल रहा है जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम है और उनके बीच का एंगल
जीरो डिग्री है, हमको जीरो किस केस में मिल रहा है जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और एक वाट मीटर पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, दूसरा वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, तब उस कंडीशन में हमको पावर फैक्टर जीरो मिलना है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। यदि उसके बीच का एंगल कितना हो, 30 डिग्री का एंगल हो, जब एंगल 30 डिग्री का होगा तो W1 मतलब वाट मीटर की रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, VI हो जाएगी, W2 की 0.5 मतलब एक की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग की आधी हो जाएगी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर किसी वाट मीटर की एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की आधी है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर हमारा कितना होगा, 0.866। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं फाई, अगर एंगल मेरा 60 डिग्री है, जब एंगल हमारा 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, पहला वाट मीटर की रीडिंग हमारी जीरो होगी और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग हमारी 0.866 भी आई होगी, तो हमको उस कंडीशन में जो हमको पावर फैक्टर मिलेगा 0.5 मिलेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऊपर के दो पॉइंट हैं। ठीक है, किस कंडीशन में हमको यूनिटी मिलता है और किस कंडीशन में हमको जीरो मिलता है, ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर जीरो मिलेगा और किस कंडीशन में हमको यूनिटी मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का लेक्चर, ठीक है, जो मैंने लिया था आपके लिए। ठीक है, आपको मैंने बताया कि मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट कैसे कार्य करता है, उसका प्रिंसिपल, और डायनमो मीटर टाइप वाट मीटर कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, बाकी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर आज के लिए, हम आशा करते हैं कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों यदि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।